फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मिल्क शेक। तो ये देखिए, मैंने साबूदाना लिया है, तो इसे अच्छे से धो के साफ करेंगे पहले। तो ये देखिए, इसमें पानी डाल देते हैं और इससे अच्छे से 2 से 3 पानी धो लेंगे ताकि इसका जितना भी स्टार्च हो वो निकल जाए। और देखिए, मैंने साफ़ कर लिया और इसमें पानी डाल के रख देंगे और रख तो बाकी का चलते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक पैन लिया है, उसमें डाल दिया 1 कप पानी और शक्कर डालेंगे 4 चम्मच। तो 4 चम्मच मैंने शक्कर डाला है, जेली बनाएंगे। और 3 चम्मच इसमें मैं डालूँगी कॉर्नफ्लावर। तो ये देखिए, मैंने 3 चम्मच डाल दिया है और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। तो इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और गैस पे रख देंगे। अभी गैस को ऑन करेंगे। तो देखिए, गैस को ऑन कर दिया और इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है और इसी तरह से हम पकाएंगे। तो ये देखिए, तो ये हमारा घोल देखिए ट्रांसपेरेंट होने लगा है, तो इसका मतलब अब हमारा जेली बनने वाला है। तो थोड़ी देर और पकाएंगे इसे इसी तरह से चलाते हुए। तो ये देखिए, तो अभी हमारा बबल्स भी आने लगे हैं और ये हमारा जेली बनके अब तैयार है। तो देखिए, तो इसी स्टेज पे हम गैस को देखिए बन गया है तो बंद कर देंगे और इसे हम 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि 3 कलर का मैं जेली बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, तो ये देखिए, मैं इसे तीन हिस्सों में बांट लूँगी इस तरह से। और इसमें तो देखिए, मैंने 3 जगह रख दिया है और 3 कलर का बनाएंगे जेली। तो मैंने येल्लो कलर और एक ग्रीन और एक रेड। तो देखिए, मैंने 3ों में कलर डाल दिया, ज़्यादा ना डालें, 1 पिंच डालें। और कोई भी कलर डालें तो अच्छी कंपनी का डालें क्योंकि हेल्थ के साथ हम रिस्क नहीं ले सकते। तो अच्छी कंपनी का कलर यूज करें। आप तो चाहें लिक्विड वाला भी ले सकते हैं, मेरे पास ड्राई पाउडर कलर था तो मैंने वो यूज किया है। तो ये देखिए, तो इसे एक प्लेट में फैला देंगे। बस हमें थोड़ा मोटा ही रखना है क्योंकि इसे हम मिल्क शेक में डालेंगे बाद में। तो ये देखिए, इस तरह से मैं थोड़ा सा इसे फैला देती हूँ। तो देखिए, मैंने 3ों का इसी तरह से प्लेट में लगा दिया है और चलते हैं अब हम मिल्क शेक बनाने। कस्टर्ड वाला बनाऊंगी। तो ये देखिए, मैं 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लूँगी, वनीला फ्लेवर का है आप, और इसे हम घोल लेंगे। तो मैं पानी से घोल रही हूँ, आप चाहे तो दूध से, किसी से भी घोलें। तो अच्छे से घोल लेंगे, इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने घोल लिया है। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो ये देखिए, मैंने टोप रख दिया है गैस पे, इसमें डालेंगे 3 कप दूध। तो ये देखिए, मैंने 3 कप दूध ले लिया है और इसे हाई फ्लेम पे उबाल आने तक पकाएंगे। दूध मेरा पहले से गर्म है तो ये देखिए, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो उबाल आ गया है तो इसमें डाल देंगे 1 कस्टर्ड पाउडर का घोल। तो इसे मिक्स करके डालें क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। तो देखिए, मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ और इसमें डाल दूँगी और लगातार चलाते रहूँगी, नहीं तो ये क्या है, लम्स पड़ जाएंगे। तो इसी तरह से चलाते रहे लो मीडियम फ्लेम पे इसे। तो ये देखिए, कस्टर्ड हमारा अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। तो इसमें डाल देंगे शक्कर। तो 1 कप शक्कर डाला है, ड्राई फ्रूट डाला है, काजू बादाम पिस्ता, आपको जो पसंद हो डालें। इलायची पाउडर डाल देंगे, अच्छी खुशबू और अच्छा टेस्ट भी आता है इसमें। और ये देखिए, हमारा ये बनके तैयार है। क्योंकि हमें मिल्क शेक बनाना है तो हमें थोड़ा पतला ही रखेंगे। तो ये देखिए, हमारा बनके तैयार है। इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए और तब तक मैं साबूदाना उबाल लेती हूँ। तो देखिए, पानी में उबाल आ गया, इसमें डाल देंगे साबूदाना और इसे हम पका लेंगे। और इसे पका के हम छान के रख लेंगे। तो देखिए, तो इस तरह से इसमें अच्छे से साबूदाना पक गया है। तो इसे मैं
छान लूँगी। तो ये देखिए मेरा जेली भी तैयार है, तो इसे कट करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जेली हमारा अच्छे से जम गया है, तो इस तरह से मैं कट कर लूँगी और अलग कर लूँगी। इस तरह से इसी तरह से सभी काट लेंगे। और ये मिल्क शेक भी मैंने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये बहुत ही ठंडा हो गया है, तो सर्व करने से पहले इसे ठंडा कर लें, बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है और बहुत ही अच्छा बना है। देखिए कितना गाढ़ा है। और इसमें डाल दूँगी साबूदाना जो हमने अभी बॉईल किया था, तो मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि एक एक पीस अलग अलग हो जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और ये साबजा है, ये गर्मियों में बहुत ही अच्छा पीना चाहिए, इससे बहुत ही ठंडक मिलता है इससे, तो इसे ज़रूर डालें, गर्मियों में इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो ये देखिए, और इसमें जो जेली बनाए थे वो भी डाल देते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और आप किन मानिए बहुत ही टेस्टी लगता है ये, इसका आप इसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे, बर्फ़ डाल देंगे इसमें और मिक्स कर लेंगे, है ना। इतना कलर भी बहुत ही अच्छा, आप चाहें तो इसमें कलर डाल सकते हैं कोई भी फ्लेवर का, रोबजा या जो आपको पसंद हो इसमें, पर मैं इसे ऐसे ही रखने वाली हूँ। ऐसा लग रहा है फालूदा जैसा टेक्सचर आया है। तो ये देखिए इसमें गिलास में मैं सर्व कर लेती हूँ और ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो गर्मियों में इस तरह से बनाए और पिए, इन्जॉय कर, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। और इस पर हम सजा देंगे काजू पिस्ता बादाम से। तो देखिए मैं इस पर डाल देती हूँ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट की कट, तो इस तरह से आप जिसे पसंद हो सजा लें। तो ये मिल्क शेक की रेसिपी कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए कितना अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी पीने में भी लगेगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें अच्छी लगी वीडियो। तो तब तक के लिए बाय।